होगा और हमारा देश। आज मैं साथ साथ उन वैज्ञानिकों को, चाहे वो आज मैं टाटा रतन वो और एचजे भाभा होंगी होम भाभा और वो एपीजे कलाम और सारा विक्रम सारा भाई जिन्होंने स्पेस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान उनका है, और एपीजे कलाम रक्षा क्षेत्र में, और फादर ऑफ मिसाइल, तो फादर्स डे तो है, तो ऐसे फादर को भी हम दिल से नमन करें जिन्होंने राष्ट्र के लिए उन्होंने चाहे राधा वो टाटा रतन उन्होंने वो हवाई जहाज का उस समय वो किया, और ये विक्रम साराभाई स्पेस के क्षेत्र में, इसके बाद होमो ऐसे जो भाभा उन्होंने न्यूक्लियर के क्षेत्र में, ये लोग उस क्षेत्र में फादर के स्वरूप हैं, और एपीजे कलाम वो मिसाइल के क्षेत्र में, माने भारत के किस गौरव को बढ़ाया, भारत के शान को बढ़ाया, तो ऐसे फादर की आवश्यकता है जो समाज में, जो संसार को कुछ, अपने देश को ऐसा दे, ऐसे ऐसे फादर की हमको आवश्यकता है, और ऐसे फादर वो तभी वो हो पाएंगे, जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने कहा है, चाइल्ड द फादर ऑफ मैन, तरुण तरुणी और जननी, हमारे तरुण हमारे तरुणी जब ये स्वस्थ रहेंगे, जब सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और खूब अच्छे स्वस्थ अन्न और उनको दूध घी से जब तृप्त रहेंगे और खेल कूद करके और अपने व्यायाम के द्वारा, खेल कूद के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए, तभी वो जननी से वो ऐसे वो निकलेंगे रत्न, जो जैसा अभी हमने रतन टाटा रतन का नाम लिया, होमी भाभा का नाम लिया, जागीर होमी भाभा का नाम लिया, विक्रम सारा भाई का नाम लिया, और एपीजे कलाम का नाम लिया, तो ये सब बातें फिर वो सच में सार्थक होगा। आज इस फादर्स डे पर हम ऐसे फादर को भी नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए कुछ दिया है। और अब अगले वो प्रकरण में मैं वो गीतराज जटायु को लाऊंगा कि उनका आज के समाज से क्या शिक्षा मिलती है। तो मेरा ये सब तमाम, चाहे वो गीता हो, पुराण हो, बाइबिल हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे दुनिया का कोई ग्रंथ हो, सब ग्रंथों जो शिक्षा है उसे शिक्षा क्या मिलती है, हमें उसे शिक्षा क्या शिक्षा लेनी चाहिए, और उस शिक्षा को कैसे समाज में वो फैलाना चाहिए, कैसे समाज में एक वो पूरा संसार एक परिवार की तरह है, और हमें ये देखना, आज ये बात नहीं सोचना है कि कैसे लोहे पर धार धरे, कैसे लोहे की मार करें, मानव दानव बन किस प्रकार आपस में घोर प्रहार करें, ये बात हमको नहीं करनी है। सिर से समझा न सकना आपसी व्यवहार, दौड़ना रहरा उठा उन्माद की तलवार, हमें ये उन्मादी नहीं बनना है, उन्माद की तलवार हाथ में नहीं लेनी है, हमें समाज में अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, और ये तभी पॉसिबल होगा जब धरती को हम धरती लायक बनाएंगे। इस फादर्स डे पर हम सब लोग आज ये प्रतिज्ञा करें कि धरती हमारी, राजा पृथु जैसे धरती को सुंदर बनाए संवारे, और धरती से सब कुछ उन्होंने वो जनता को प्राप्त कराया, वही चीज आज हमें, आज के शासकों को ये चीज समझना चाहिए कि धरती को ऐसा बनाए कि धरती सच से श्यामला है, तो इससे हमको सब कुछ प्राप्त हो, और इसके बाद हमारा देश हर तरह से उन्नति के शिखर पर जाएगा, शिक्षा स्वास्थ्य इतना सुंदर हो, हमारे तरुण तरुणी तब वो जननी से एक ऐसे वो रत्नों का वो प्रादुर्भाव होगा, और धरती हमारी हमारी भारत माता का जो जयगान पूरी दुनिया में है, ये बात मैं यहाँ कहने में मैं वो सीना फूल जाता है जब मैं कहता हूँ, ये वही भारत माता है, फैली पहली किरण जिसके संसार में, ज्ञान विज्ञान और त्याग तलवार में, तौले तन्मा से जामा बिहक प्यार में, चीर गैना ललनवा जहां साधु सत्कार में, ये हमारी भारत माता, ये जो धरती है, ये संसार को ज्ञान देती है, ये पूरा हम ऋषियों ने विश्व का कल्याण की बात कही, ऋषियों ने ये बात जाना कि विश्व का कल्याण होगा तो विश्व में हम सब लोग हैं, इसलिए हमको आज यहाँ पर आज इस फादर्स डे पर ये भी कि विश्व का कल्याण हो, हम उन फादर को ऐसे बहुत से कथाएं, ऐसी बहुत सी चीजें उनको समाज में लाएं, और वो अपने युवा वर्ग में, अपने तरुण तरुणियों में इस बात को फैलाएं, और एक ऐसे मजबूत वो स्वस्थ समाज का वातावरण करें। हमारा ये भारत सोने की चिड़िया रही है और रहेगी, और इसको हमको हर तरह से उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य को बहुत महत्व देना होगा। जय भारत माता, जय हिंद।